इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है खोकरी, जहां बहुत खूबसूरत मकबरे बने हुए हैं। ये मकबरे उस समुदाय की विरासत की निशानियां हैं, जिसे बहुत कम जाना जाता है। दरअसल ये भारत और अफ्रीका के रिश्तों की भी निशानी है। अफ्रीका और भारत के बीच हमेशा से नजदीकी रिश्ते रहे हैं। अरब महासागर के दोनों किनारों पर मौजूद बंदरगाहों की वजह से दोनों के बीच व्यापार भी खूब खुला फला। अफ्रीकी लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण योगदान भी दिए। पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका से लोग गुलामों, व्यापारियों और समुद्री लुटेरों के रूप में भारत आए और मध्ययुगीन भारत में आकर सेनापति और बादशाह तक बने। भारत में सबसे महत्वपूर्ण अफ्रीकी शासक मलिकम्बर हैं। मलिकम्बर का जन्म 16वीं शताब्दी के मध्य में इथियोपिया में हुआ था। उन्हें कैदी बनाकर भारत लाया गया, लेकिन अपनी बहादुरी और फौजी काबिलियत की वजह से वो अहमदनगर सल्तनत के वजीर आजम बन गए। मलिकम्बर ने भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित जंजीरा द्वीप को जीता और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। दक्षिणी भारत में आकर बसने वाले अफ्रीकी समुदाय सिद्दी कहलाए गए। जंजीरा पर 500 साल से ज्यादा वर्षों तक, यानी 1947 में भारत के आजाद होने तक सिद्दी राजवंश का शासन रहा। जंजीरा भारतीय इतिहास का एक ऐसा किला है जिसे कभी कोई नहीं जीत पाया। उसने मराठा साम्राज्य के हमलों का भी सफलतापूर्वक मुकाबला किया। ये जंजीरा के सिद्दी ही थे जिन्होंने द्वीप से 2 किलोमीटर दूर खोकरी मकबरा बनवाया था। खोकरी मकबरा परिसर में सबसे बड़ा मकबरा जंजीरा किले के मुख्य सिद्दी सुरूल खान का है। सुरूल खान ने सन 1704 से 1734 के बीच शासन किया था। दिलचस्प बात यह है कि यह मकबरा सुरूल खान के जिंदा रहते ही बना दिया गया था। सिद्दी सुरूल खान के मकबरे के पास ही मध्यम आकार के 2 मकबरे और हैं। उनमें से एक मकबरा सिद्दी कासिम याकूत खान का है। याकूत खान सन 1670 से 1677 के बीच मुगल जलसेना में एडमिरल और प्रशासक रहे थे। दूसरा मकबरा उनके भाई खैरियत खान का है। खैरियत खान सन 1670 से 1677 के बीच दंडा राजपुरी और उसके बाद सन 1677 से 1696 तक जंजीरा के कमांडर रहे थे। इन दोनों मकबरों पर अरबी भाषा में दोनों भाइयों की मरने की तारीख लिखी हुई है। ये तीनों मकबरे भारत अरबी वास्तुकला के अनुसार बनाए गए हैं। उनके ऊपर बड़े गोलाकार गुंबद बने हैं। खिड़कियों पर खूबसूरत जालीदार काम किया गया है। मुख्य द्वार पर नोकदार मेहराबे बनी हुई हैं। 19वीं सदी तक जंजीरा के नवाब इन मकबरों की देखभाल करते थे। देखभाल के लिए वो आसपास के गांव से आर्थिक मदद भी लेते थे। हर जुमेरात को वहां कुरान पढ़ा जाता था। हर साल वहां दफन हुए लोगों के उर्स भी होते थे। इन मकबरों के पीछे बड़े बड़े बोआबाब या अदन सोनिया के पेड़ भी लगे हैं। ये पेड़ भी सिद्दियों की तरह ही अफ्रीकी महाद्वीप से लाए गए थे। इन 3 मकबरों के अलावा भी गांव में इधर उधर कई छोटे मकबरे बिखरे हैं। ये मकबरे सिद्दी जनजाति के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्मान में बनाए गए होंगे। हालांकि मुंबई से महज 150 किलोमीटर दूर जंजीरा किले को देखने बहुत लोग जाते होंगे, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को करीब ही मौजूद 300 साल पुराने खोखरी मकबरे के बारे में पता होगा। अगली बार आप जब भी इस इलाके में जाएं, तो इन खूबसूरत स्मारकों को देखना ना भूलें और उनमें दफन सिद्दियों के योगदान को भी जरूर याद करें।